राजा धर्मा को मैं अनारकली में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं मौजूद हूं रियाज हलवा पूरी पुरानी अनारकली में और यहां पे मैंने हलवा पूरी मंगाई है। आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर दो पूरियां फूली फूली आई हैं, उसके ऊपर हलवा पड़ा हुआ है, मज़ेदार जो है ना ग्राइंड जो है ना टेस्ट डिज़ाइन वर्गा। तो मैं ये जो है ना हलवा पूरी तोड़ कर हलवे के ऊपर गिरा मारी है और इसके ऊपर भर के हलवा निकाल कर और ये मेरे एकदम नवाले की तरह जो है ना ये नवाला मुंह भर के मेरा जो है ना मुंह में जाएगा। एक्सलेंट, बहुत मज़ेदार, इंतहाई मज़ेदार पुरानी अनारकली रियाज हलवापुरी 10 out of 10। अब इसके मैं चने ट्राई करूँगा। गाइस दोबारा से मैंने पूरी ली है, एक बाइट ज़बरदस्त किस्म का जो है ना भर कर मेरे मुंह में जाएगा और आप देख सकते हैं कितना ही यम है। और अचार इसमें डला हुआ है, प्याज इसके साथ थोड़ी सी कटी हुई है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की प्लेट बनाई हुई है और ये अब जाएगा मेरे मुंह में। अगेन एक्सलेंट, आप खुद आएँ यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी तो गाइस ऑर्डर दे दिया मैंने एक फलसे का और गारंटी अंकल ने कहा कि मेरी गारंटी है कि आपको रापचिक मज़ा आ जाएगा, इतने इंतहाई लजीज है, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। एक बात बताता चलूँ कि ये जो जगह है ये बेसिकली माल रोड का हब है और यहाँ पर इंतहाई मज़ेदार यमी टेस्टी आप यहाँ आए और आपको इतना सुपर तरीके से बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट, दरख्तों के नीचे एक सायेदार दरख्तों के नीचे बैठेंगे आप, मेन रोड का नज़ारा भी करेंगे और जूसेस पियेंगे और कम्प्लीमेंट्री जूस का एक छोटा गिलास बेबी जूस भी आएगा। जी तो गाइज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कॉकटेल और ये आ गया है फालसे का जूस और ये एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। तो छोटा भाई हमने इसके अंदर कंपैरिजन कंट्रास्ट किया है, वो भी एक जैसा आता है लेकिन हमने जो है ना ज़िगज़ैग खेला है और मैं क्योंकि आपकी जगह बैठा था तो ये मैंने अपना ले लिया, मुझे तो आप ले लें और ये छोटा भाई तुम ले लेना। ट्राई करने जा रहा हूँ फालसे का जूस जो देखने में तो इंतहाई मज़ेदार लजीज और यमी लग रहा है, आप पीते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है। लिटरली इंतहाई मज़ेदार लजीज और इसका एक एक घूंट एक एक सिप जो है वो सीने में जो है ना एकदम उतर रही है और मुझे एकदम गाना भी याद आ रहा है इस वाले से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो है वो गाना क्या हो सकता है, सीने में तेरे दिल को इस तरह का गाना है, अब मैं पूरा तो नहीं ले रख सकते याद लेकिन इंतहाई मज़ेदार बहुत। और गाइस आप पी रहे हैं कॉकटेल, इसका टेस्ट देखते हैं, वाकई इतना ही मज़े का फ्रेश जूस और इतने मज़ा आ रहा है इसको पी के, यकीन माने हर फ्रूट का जो है ना टेस्ट आ रहा है, नेचुरल विटामिन्स मिनरल्स से भरपूर, बहुत ही मज़े का यम्मी। वो जूसेस पीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इनके जूसेस में कुछ अलग ही बात है, सो मैंने सोचा कि एक और ये देख सकते हैं आप कि आसपास माशाल्लाह अल्लाह गुल्ला और चहल कदमी कितनी है, अपने गाइस को दिखा सकते हैं कि रेट लिस्ट भी लगी हुई और बड़े रीजनेबल जूसेस हैं, इतने ज़बरदस्त जूसेस हैं कि मुझे रहा नहीं गया कि मैं और ट्राई करूं और मैंने फिर से मंगा ली एक जूस नया। ये बेसिकली मिंट जूस है, इसको पी के मिंट आ जाते हैं सुनने में आया ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आप पियेंगे तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। सो ये मैं पी के आपको बताता हूँ उसका टेस्ट इंतहाई कैसा है और टेस्ट और कलर इंतहाई खूबसूरत है, जस्ट लाइक मी।
तो अभी पी के बताता हूँ टेस्ट आ गया। लिटरली टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, इंतहाई यम्मी, इंतहाई मज़ेदार। मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, आपको आना पड़ेगा माल रोड। जी हाँ, माल रोड लाहौर मेन चौक, बाबा जी का जूस। बाबा जी जिंदाबाद। बाबा जी लोकेशन बता दे जरा। पुरानी नारकली, पुरानी नारकली, माल रोड के आसपास है। पुरानी हाफिज जूस, पुरानी नारकली फूड स्ट्रीट। बड़ी रेंज आपके पास है ना फ्रूट की? पूरी वैरायटी हमारे पास, पूरे 160 जूस बिकते हैं हमारे पास। 160 भेजिए लिखे, 160 के जूस। ये बात देखिए कितनी जबरदस्त है, पूरे लाहौर में बिल्कुल इख्तसार के साथ बता दिए कि 160 आइटम है। अब आप खुद आए, आप खुद अपनी ट्राई करें, अपनी दुकान का नाम ये तो गलत नहीं रखते, नहीं रखते। क्या बात है, फ्लेवर नहीं रखते। बाबा जी जिंदाबाद। जी बाबा जी की जी। दिलकश किस्म की जो सैलेड देख सकते हैं आप, पुरानी अनार के लिए, और यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है भाई का, और यहाँ पे इतने इतिहाई है पंजाब के नाम से। आप यहाँ आए और आपको तरह तरह की जो सैलेड के अंदर वैरायटी मिलेगी। मैं इनको खाने के लिए बेताब हूँ, और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। क्या चाइनीज खाने में अच्छी है? जरगा सच्ची है, नारी है, दाल है, सब्जी है, कौरमा बिरयानी है, बीस है, चाँप है, मलाई बोटी है, चिकन की, चिकन का मटन का, मटन चाँप, मटन के मटन, अंडी कबाब कड़े, जलफेजी, जिंजर तवा पीस, रोल पटा, चिकन पटा, एक्स्ट्रा रेड, चिकन मंचूरियन, छाछलीक, वाइट डबल राइस। ये बार आपने सारी डिशेज सुन ली होंगी। जब भी आप इधर अनार के लिए आएँ तो ज़रूर वारिस टिक्का शॉप में ज़रूर आइएगा। आपसे बता रहा था गर्मी इंतहाई शदीद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जो आ चुके हैं वारिस रेस्टोरेंट में, इंतहाई मज़ेदार टेस्ट है, और हमने चपाती मंगाई भी है, और हम जो है इस टाइम महसूस हो रहे हैं बहुत ही यम सब्ज़ी के। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम क्या खा रहा हूँ। ये आपके लिए एक कह लें हैं एक क्विज है, और आपका एक टेस्ट है। जो गाइस कमेंट बॉक्स में पहले 5 बंदे बताएंगे, मैं उनको जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट दूंगा। लेकिन मुझे बताना है कि सालन है क्या चीज़, मैं आपको इसका नाम नहीं बता रहा, ये एक सरप्राइज़ है, और इसका सरप्राइज़ रिवील करूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस कैंडिडेट के साथ जिसने पहले बताया होगा नाम। सोचा सर ये हुकूमत बुखलाट का शिकार है, हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। सर ये हुकूमत बुखलाट का शिकार है, हुकूमत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अवाम का मैंडेट चोरी करे। करते हैं अल्लाह ताला आप पाकिस्तान के हक में जो भी फैसला हो बेहतर हो। तो व्यूवर्स आपको इनकी बात सुन के आपकी क्या राय है, अपना कमेंट्स दे के आप अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। व्यूवर्स, अंदरून लाहौर की मसरूफियात और हॉस्टल एंड बस्टल को देखते हुए मैंने सोचा कि आपको रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाया जाए और उधर का रुख किया जाए। तो रेलवे स्टेशन जा रहे हैं बुकिंग के लिए, देखते हैं कि बुकिंग हमारी होती है नहीं होती है, हमें ओपन टिकट ही मिलेगी। तो लेट्स गो। आपको पता है कि गर्मी शदीद है लाहौर में, लेकिन मेरे बैग में 3 से 4 पानी की बोतलें मौजूद हैं। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि अब निकाले कौन? सो जिसने लाहौर नहीं देखी है वो जमे ही नहीं ना, क्या कहते हैं तुरतुरे, तो मैं डिसएग्री करूंगा। अब खचाखच इस दफ़ा मुझे लग रहा है जो लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली जो ट्रेन है वो खचाखच भरी होगी यकीनन। ये कुली नंबर 85 है, ये कुली नंबर 175। इरफान भाई व्यूवर्स, टिकट के लिए तगोदो करते हुए कि किसी तरीके से रिजर्वेशन हो जाए और टिकट हमें मिल जाए। तो देखते हैं कि हमें टिकट मिलता है या नहीं। Let's have a look. टिकट हमें मिल चुकी है। तो जी, तो व्यूवर्स मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन लाहौर से हम लाहौर जंक्शन से हम आपसे मुखातिब हैं, और कुछ ही देर में हम रवाना होंगे रावलपिंडी के लिए, और साथ साथ आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म की
क्लिप्स होंगे और मुख्तलिफ किस्म की जगहें होंगी और मुख्तलिफ कुछ खाने पीने की चटपटी बातों के उस्ताद आपसे मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे। इरफान भाई रश का आप आलम देख सकते हैं, कंजेक्टिवली पब्लिक इज रोमिंग अराउंड और पब्लिक ठुसी पड़ी है, जिसको कहते हैं ट्रेन में ठुसेगी अभी 4:30 वाली सुबह। तो व्यूअर्स हम आ चुके हैं रेलवे ट्रैक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं साथ में लगेज उठाए हुए इरफान साहब हमारे साथ मौजूद, और पब्लिक का जोक दर जोक इंतहा का रश है। और ये कदीमी रेलवे स्टेशन है लाहौर का, लाहौर राजौर सरगोधा रोहड़ी सिद्दी कला जबकाबाद हैदराबाद कला दमानसेरा सकरदू जबकाबाद सब जगहों से लोग इरफान साहब को देख रहे हैं, देख भी रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आप भी कर दें, क्यों वेट कर रहे हैं किसी का। व्यूअर्स अंदर से लाहौर का रेलवे स्टेशन शायद आज तक किसी ने ना दिखाया, आपको मैं दिखाता हूँ कि ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं साइडों पे बिल्कुल टॉप पे, और ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है, बाहर से तो मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ कवे शवे भी बैठे हुए हैं, कबूतर शबूतर भी रेस्ट कर रहे हैं, और उस तरफ भी प्लेटफॉर्म है, फैमिली वेटिंग रूम्स वगैरह भी हैं, बैठने की जगह भी हैं और बट पॉइंट भी है कोई खाने पीने का आउटस्टैंडिंग। सो उधर आप दुकान देख सकते हैं, बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं नॉन स्टॉप। खाना भी लेके आइए भाई, जाओ अंदरों अंदर रोला पाई जाओ, ये अली साल है। व्यूवर्स ये रहा ऊपर का कुछ लुक लाहौर रेलवे स्टेशन, कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, और चहल कदमी तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। और ये हम खड़े हुए हैं कदीमी ब्रिज पे, एक क्रॉसिंग ब्रिज है, लाइन थी सब कॉन्टीनेंट में, यानी बरसगीर जिसने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और म्यांमार आते थे, चलो जी पिंडी वाली है खड़ी जी लोहरिए, हर बात में जे क्यों लगाते हैं इसका मुझे आज तक समझ नहीं, और पैसे को पह क्यों कहते हैं ये भी समझ नहीं आया, रे को रे क्यों बोलते हैं लोहरिए, माइंड मत करिएगा, बट मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, मुझे नहीं पूरे व्यूअर्स को चाहिए। सो ये एक मजाक कर रहा हूँ, हर शहर की हर सिटी की अपनी अपनी खसूसियत है, तो अच्छा लगता है लोहरी जब इस तरह रे को रे बोलते हैं और उनकी स्पेशलिटी झलकती है, अच्छा लगता है। हमारी जो है वो 6 नंबर, हाँ 5 नंबर है, आपको नज़र आ रहा होगा व्यूअर्स। सो चलो कुछ ट्रेनें पाकिस्तान रेलवेज़ ने प्राइवेट कर दी हैं, सो हमारी जो ट्रेन का जो कंपनी है वो NCS कहलाती है, NCS में अभी हम सवार होंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर से वो कैसी दिखती है। 6 नंबर कोच हम ढूंढ रहे हैं इम्पेशेंटली, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, नलका तो है पर टूटी नहीं है उसकी, मतलब घुमाने वाला है, एक दफ़ा अगर खोल ली तो बंद नहीं होगी और बंद कर दी तो खुलेगी नहीं। बिल्कुल लाहौर से रावलपिंडी जा रहे हैं, हमारे साथ से रही और नए जिन दोस्तों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो अभी जाके फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए, सब नहीं सब्सक्राइब। ठंडा पानी तो पी चुके हैं, ठंडा पानी पी चुके हैं। यहाँ देखते हैं व्यूअर्स कौन बैठा हुआ है, आखिर काफ़ी देर से ये खिड़की बंद है, देखते हैं कौन बैठा हुआ है। ओह इरफान भाई व्यूअर्स ये तो चमत्कार हो गया, मैं कहता हूँ और हमारे हिंदी में बोला तो चमत्कार बिल्कुल, और हमारे सामने भी ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन वो जा रही है, बाय बाय करते हैं तो बाय बाय करते हैं, किसी को कोई ना कोई तो जवाब देगा। कैंडी क्रश के भी जा रही है व्यूअर्स, यू कैन सी दिल होना चाहिए जवान, उम्र जकी रखे है। वो एक और आ रहे हैं, दो और आ रहे हैं व्यूअर्स, ये चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे व्यूअर्स जल्दी कमेंट में आपने बताना। ओह एंड में चढ़ ही गए व्यूअर्स, मुनासबत को देखते हुए चाचा को बाय करना चाहेंगे, बाय चाचा, हाँ तो हिला दे पानी की बोतल नहीं लिया व्यूअर्स, ऐसा भी हो जाता होता है कि चाचा थोड़ा सा अपनी सोच में डूबे हुए थे, कैलकुलेशन में मसरूफ थे शायद, कि प्रॉफिट हुआ है दुकान को या लॉस हुआ है, सुन सकते हैं ऑर्गेनिक साउंड है और नेचुरल साउंड है बिल्कुल, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट साउंड।
होपफुली आपको भी अच्छी लग रही हो। पिंडी को हाई करने के लिए हम पिंडी की तरफ गामजन है। व्यूअर्स ये भी साथ साथ बताता चलूँ, 10 मिनट ट्रेन लेट है, बकायदा लेट है। जितनी भी एक्टिविटीज रही आपने साथ साथ इंजॉय किए होंगी यकीनन, अगर इंजॉय किए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। व्यूअर्स ये रावी रिवर्स है यानी दरिया रावी, और आपको पता है कि दरिया रावी बिल्कुल सूख चुका है और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक अथॉरिटी कायम हो चुकी है जो यहाँ पे तरक्याती कामों का आगाज़ कर चुकी है। लेकिन ये कि एक नया शहर बनने में व्यूवर्स पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं वो उस लेवल को बीट नहीं कर पाएंगे आई थिंक। तो ये जो नहरी निज़ाम है दरिया रावी का, इसको बहाल करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये शहरी एरिया से गुजरते हुए रेलवे क्रॉसिंग पे पब्लिक खड़ी हुई है व्यूवर्स, जिसको हम उर्दू में फाटक कहते हैं। तो व्यूवर्स देख सकते हैं कितनी भीड़ है फाटक पे, कितनी भीड़ है यानी रेलवे क्रॉसिंग में कितनी भीड़ है। गहरी सोचों में इस टाइम घूमे इरफान साहब। सो हियर वी गो। अंग्रेज़ ने 1853 में रेलवे का निज़ाम स्टार्ट किया था। उधर एक एक चीज़ को बड़ी खूबसूरती और महारत से बनाया गया। ये आप कपलिंग देख सकते हैं, एक पटरी को दूसरी पटरी से कैसे जॉइंट किया गया, यानी एक ट्रैक को दूसरे से ट्रैक से बड़ी महारत से जोड़ा गया। एज़ यू कैन सी, आपको आज का व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे आपका तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन हमें इससे काफ़ी सपोर्ट मिलती है। व्यूअर्स ट्रेन मुड़ने का दिलकश मंजर आप देख सकते हैं, अगर इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। ये दो बाबा जी अपने अपने शुगल में मशगूल हैं, खुशगपियों में मशगूल हैं, ट्रेन मुड़ने का खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से देखते हुए। यहाँ आप देख सकते हैं चुके हैं कि हम लाहौर की डोमेन या और ज्यूरिसडिक्शन से निकल चुके हैं व्यूवर्स, और पिंडी की तरफ गामजन है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आएगा वो गुजरांवाला आएगा, और गुजरांवाला के बाद गुजरात, और लाइक वाइज फिर खारियां और लाला मूसा, और उसके बाद फिर आपका गुजर खान और रावलपिंडी। व्यूवर्स इनको कहते हैं स्टैंड क्रॉप यानी खड़ी फसलें। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है जब ट्रेन से बंदा सफ़र करता है और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, पूरे पूरे गांव देखने को मिलते हैं और गांव कवर करने को मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्यूवर्स जैसा कि आप देख सकते हैं गुजरांवाला हम पहुँच चुके हैं, हमारा पहला स्टॉप है ट्रेन से उतरने का मुकाबला शुरू हो चुका है, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों। अभी एक आंटी गिरते गिरते बची हैं व्यूवर्स, वो आंटी थी ये जो गई हैं।
शाहिद अफरीदी कौन है? शाहिद अफरीदी आलू चाहिए आलू। मेरे आलू और ये मिक्स कर दो 40 के। कितनी सेल की आज? सेल नहीं की आज। पैसा? पैसा कितना की है? 50। बस सुबह से अभी आए हो तो अभी कितने बजे तक रहोगे? 500 कर के जाओगे? 12 बजे तक रात को जाओगे? कितने बजे जाओगे? अभी कितने ट्रेनें कितनी आएंगी रात तक? तो नज़दीक ही रहते हैं, फिर आराम से चले जाओगे, 500 इकट्ठा हो जाएगा। जब तो गाड़ी में जाओगे या चिंगजी में कैसे जाओगे? वैगन में या पैदल? पैदल। लेकिन 500 रुपये का टारगेट होता है, 500 जब इकट्ठे होंगे तभी। हाँ गुड, चलो चलो हो जाएंगे आज। गोटी अच्छी लगी। बाय बाय। व्यूअर्स ट्रेन आ रही है, ट्रेन की स्पीड अपने आप और ताप से है, यानी बड़ी हल्की। व्यूअर्स ये ट्रेन में पर्दे लगाने का रुझान जो है, पता नहीं कब किधर से आया और क्या सूरत हाल है। दोनों ट्रेनें रुक चुकी हैं।